आज मैं मुंह दिखाई करा रहा हूं हमारी नई नागिन की, जो कोई और नहीं है इस साल की बिग बॉस 2022 की विनर तेजस्वी। हाय तेजस्वी, बधाई हो सबसे पहले। पर थैंक यू सो मच। मेरा और तेजस्वी का एक पुराना नाता है, हमने एक शो में काम किया था, स्विस वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सीजन 2, जो हमारे यस दोस्त ने देखा था। आई होप तेजस्वी रिमेंबर आर शो, वी डेड सो मच फन मोमेंट्स वी शॉट इन स्विट्जरलैंड। सो मच फन। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग मी टू स्विट्जरलैंड। इट्स क्या मजे किए थे। इट्स अ ड्रीम प्लेस, ड्रीम। तो ये बताएं कि पूरा देश ने आपको देखा बिग बॉस में, आप इतने दिन रही और उसके बाद जब जीत की ट्रॉफी हाथ में आई तो वो कैसा पल था? बिकॉज इतने दिन से लोगों ने आपको खतरों का खिलाड़ी वो जस्ट द ट्रेलर, बट वैसे मैं सबसे बोलता था कि खतरों के खिलाड़ी जस्ट द ट्रेलर, असली पिक्चर बिग बॉस में दिखेगी। आई थिंक द रियल तेजस्वी विच आई न्यू वॉज शोन इन द शो। तो हाउ वॉज द विनिंग मोमेंट एंड द लाइफ देयर आफ्टर? इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बिग बॉस के बाद इतनी नागिन, नेक्स्ट डे मैं शूट कर रही थी तो मैंने बिग बॉस की विक्ट्री रिलेटेड कोई भी इंटरव्यूज नहीं दिए, मैं दे ही नहीं पाई। आई एम ग्लैड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस नागिन की हो रही है और इसी बहाने मेरे बिग बॉस के क्वेश्चंस भी आंसर हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड द विक्ट्री मोमेंट वॉज समथिंग जस्ट अनरियल, क्योंकि जब खतरों भी हुआ था आई वॉज दिस क्लोज टू विनिंग एंड देन आई हैड टू क्विट। और मैंने जब भी बिग बॉस भी एंटर किया था, मैंने तभी बोल दिया था कि लास्ट टाइम मेरी ट्रॉफी रह गई थी, इस बार नहीं छोड़ूंगी। सो आई गेव इट माई ऑल, आई रियली डिड गिव माई ऑल। जो भी कर सकती थी मैंने किया, एंटरटेन करना, फनी रहना, रोना, प्यार करना, हंसना, लड़ना, सब जो भी, आई रियली जस्ट वेंट ऑल इन बिकॉज आई हैड टू दिस टाइम टेक द ट्रॉफी होम। इट वॉज वेरी क्लियर। और बिग बॉस के ट्रॉफी हाथ में आती है, अगले दिन आप सेट पर नजर आई नागिन, सो आई एम श्योर यू नो वर्क ऑन इज कीपिंग यू बिजी। तो नागिन जब पहले दिन, इतने दिनों के बाद वापस सेट पर लाइट्स फेस करना, एक अलग ढंग के कैमरे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस नागिन शूट करना डे आफ्टर बिग बॉस खत्म हुआ? जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, वी वर ऑल